क्या हो गया था तुम्हें? क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो गया था तुम्हें? सुन रहे हो, जब से जिंदगी में आए हो दुनिया ही बदल दी है। पहले कहाँ अपनी आहट से डरती थी और अब देखो लोगों के बीच में बोल रही हो। बस ऐसे ही रहना बेटा, तो तुम्हारे साथ नहीं तो इंशाल्लाह नसीब मेरा घर धोखा दे रहा। सर मौका नहीं मिल रहा, हर वक्त लड़का उसके साथ होता है। मुझ पर प्रेशर बहुत बढ़ गया, जो भी करना है जल्दी करो, ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। लड़की के बाप ने लड़के पर केस कर दिया, सारा इल्जाम उसी पर आएगा। सर आप लड़के का कोई इंतजाम करें, लड़की को तो हम उठा लेंगे। ठीक है, कल जो लड़की उठाई थी वो कहाँ है? वो तो हमारे पास है, हमने सोचा दोनों को एक साथ पहुँचा देंगे। नहीं, उसे आज ही ठिकाने लगाओ, मैं उस लड़के का कुछ करता हूँ। ओके बेहतर सर, जाओ ले गया उसे। शेर मैं तुझे जान से मार दूंगा। सनार, सनार, तो किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। मजीमा पड़ोस में कोई बच्चा चीख रहा होगा यार, सो जाओ प्लीज। नहीं बच्चा नहीं चीख रहा, किसी लड़की की चीखने की आवाजें आ रही हैं। प्लीज देखो ना जाकर, मुझे तो कोई आवाज नहीं। पार्किंग में किसी लड़की की चीखने की आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज देखो जाकर। कल से ऑफिस भी जाना है, वकील से भी मीटिंग है, 50 काम। मैं नवीन से बोलता हूँ कुछ दिन के लिए यहाँ के रुक जाए, वरना हर आधे घंटे बाद मुझे घर आना पड़ेगा। भी तो जाओ देखो जाकर प्लीज। हाँ देख रहा हूँ भाई। भाई साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ किसी की चीखने की आवाज आ रही थी क्या? सर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, और मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई है भी नहीं। सर मेरी वाइफ कह रही थी कि किसी लड़की की चीखने की आवाज आ रही है, मैंने कहा जाके देख लेता हूँ। एनीवेज थैंक यू। थैंक यू।